जुनूनियत द डेंजरस गेम ऑफ लव एपिसोड 29। वेले उनकी कार के साथ उनके पास आया। उसने सिद्धांत को उसकी कार की चाबी थमाई और वहां से चला गया। उस शाम मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा था और प्रज्ञा अपना स्कार्फ लाना भूल गई थी। जब अचानक ही एक ठंडी हवा का झोंका आया तो प्रज्ञा कांप उठी। उसका सारा बदन गूस बम से भर गया। उसने अपने आप को गर्माहट देने के लिए अपनी आर्म्स को ऊपर से नीचे मलना चालू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके कंधों पर एक जैकेट थी जिसकी गर्माहट से प्रज्ञा को एक सुकून मिला। उसने तुरंत उस जैकेट को अपने आजू बाजू जल्दी से लपेट लिया। सिद्धांत उसकी तरफ बहुत ही इंटेंसली देख रहा था। वो नहीं चाहती थी कि वो कुछ भी बोलकर उसको गुस्सा दिलाए, क्योंकि इस बार उसके साथ साथ शिव की सारी कंपनी दांव पर लगी हुई थी। सिद्धांत ने अचानक से उसको पकड़ा और कार के अगेंस्ट ट्रैप कर लिया। प्रज्ञा के मुंह से शॉक से भरी चीख निकल गई। उसे पता नहीं था क्यों, लेकिन सिद्धांत उसे हमेशा किसी कार के अगेंस्ट धकेल देता था। उसे इसमें क्या मजा आता था प्रज्ञा को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था। सिद्धांत उसके करीब आया और उसके कंधे पर टंगी जैकेट में अपने हाथ डालते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें बताया कि आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो? प्रज्ञा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। सिद्धांत उसे ऑलरेडी बता चुका था कि इस ड्रेस में वो कितनी सुंदर लग रही थी। सिद्धांत की आंखें बहुत ही पैशनेट नजर आ रही थी। प्रज्ञा को महसूस हो गया था कि शायद वो उसे अब किस करने वाला था, लेकिन अचानक से प्रज्ञा को कैमरा के शटर बंद होने की आवाज आई। उसने तुरंत अपना चेहरा सिद्धांत के सीने में छिपा लिया। वो नहीं चाहती थी कि कल हर एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर उसकी तस्वीर छपी हो, और खासकर वो तस्वीरें जिसमें सिद्धांत के वो इतने करीब खड़ी हुई थी। उसने तुरंत सिद्धांत को अपने आप से दूर करते हुए कहा, कोई हमारी फोटोज लेने की कोशिश कर रहा है। सिद्धांत तुरंत पीछे मुड़ा और बड़े बड़े कदमों की तरफ उस जर्नलिस्ट के पास पहुंचा जो कार के पीछे छिपकर उनकी फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था। वो जर्नलिस्ट सिद्धांत को देखकर बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। सिद्धांत ने उसके पास पहुंचकर कहा, अपना कैमरा यहां दो। बट सर, मैं आपकी और मैडम की एक अच्छी तस्वीर लेना चाहता था। वो जर्नलिस्ट अपने कैमरे को अपने सीने से लगाते हुए बोला। सिद्धांत का चेहरा गुस्से से भर गया। वो चिल्लाया, और ये तुम किससे पूछ के कर रहे थे? उसने कैमरा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। उस जर्नलिस्ट ने ना चाहते हुए भी सिद्धांत को कैमरा थमाया। अगले ही पल वो एक्सपेंसिव कैमरा रोड पर गिरा हुआ था। उसके हजार टुकड़े हो चुके थे। ये देखकर तो प्रज्ञा भी अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसके मुंह से शॉक से भरी आवाज निकल गई। वो जर्नलिस्ट तो इतनी हैरानी में था कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। सिद्धांत बिना किसी परवाह के साथ बोला, कल ऑफिस आकर इसका कंपनसेशन ले लेना, लेकिन आज के बाद ये याद रखना कि किसी की भी बिना पूछे फोटोज मत लेना। इतना कहने के बाद वो प्रज्ञा के पास आया और उसे कार में बिठाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कोई भी फोटो किसी भी मीडिया वाले के पास नहीं होगी। प्रज्ञा एक बार फिर से उसी दुराहे पर खड़ी थी जहां पर सिद्धांत के लिए एक तरफ उसकी नफरत अपनी फुल फोर्स में थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसका दिल सिद्धांत के कारण बहुत जोरों से धड़क भी रहा था। आज रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसको एक बात का पूरा यकीन था कि अब सिद्धांत के पास उसको और शिव को ब्लैकमेल करने का एक और तरीका था। अगली सुबह जब वो उठी तो उसके अंदर एक अजीब सी नर्वसनेस थी। उसने सबसे पहले जाकर न्यूज़पेपर ढूंढा। नीचे मधु ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। प्रज्ञा ने जैसे ही न्यूज़पेपर को लिविंग रूम की टेबल पर देखा तो उसने उसे तुरंत उठा लिया और उसे पढ़ने लगी। लेकिन उसका आश्चर्य तब बढ़ गया जब उसने देखा कि उस न्यूज़पेपर में कहीं भी प्रज्ञा की एक भी फोटो नहीं थी। हाँ, उस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि सारा शहर शिव और सिद्धांत के इस नए बिजनेस कनेक्शन को देखने के लिए बेताब था। उसी हेडलाइन के नीचे शिव और सिद्धांत की हाथ मिलाते हुए एक बहुत बड़ी फोटो भी लगी हुई थी। उस फोटो में सिद्धांत की आत्मतुष्टि साफ नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ शिव का चेहरा गुस्से से इतना लाल था कि मानो उस चेहरे पर एडिटिंग की गई हो। प्रज्ञा ने एक गहरी सांस लेते हुए भगवान से प्रार्थना की कि सिद्धांत किसी भी हालत में शिव की कंपनी और काम को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। प्रज्ञा न्यूज़पेपर बंद करके रखने ही वाली थी, अचानक से एंटरटेनमेंट जोन में उसकी नजर एक आर्टिकल पर पड़ी। उसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन एक लाइन थी जिससे प्रज्ञा की नजर नहीं हट रही थी। कल रात हुई पार्टी में शहर के जाने माने मोस्ट एलिजिबल बैचलर सिद्धांत माहेश्वरी को एक मिस्टीरियस वुमन के साथ देखा गया। क्या ये वुमन उनके सपनों की राजकुमारी थी, या इसके पीछे भी कोई राज छुपा हुआ था? सपनों की राजकुमारी, प्रज्ञा ने कहा और हंसने लगी। वो यकीनन सिद्धांत के सपनों की राजकुमारी नहीं थी, वो तो बस उसके साथ गेम खेल रहा था। जब उसको विश्वास हो गया कि पेपर में उसकी एक भी फोटो नहीं थी, तब जाकर उसने एक गहरी सांस ली और ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। डाइनिंग टेबल पर एक टैब रखा हुआ था। पहले तो प्रज्ञा ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उस टैब पर एक आर्टिकल खुला हुआ था। प्रज्ञा ने तुरंत उस टैब को अपने हाथ में लिया और पढ़ना चालू कर दिया। वो आर्टिकल किसी बड़ी मीडिया कंपनी ने पब्लिश किया था। प्रज्ञा की नजर जब उसके व्यू काउंट पर पड़ी तो शॉक से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। 5 मिलियन व्यूज। अपनी सांस थाम कर उसने पढ़ना चालू किया।
मिस्टर हैंडसम बैचलर सिद्धांत माहेश्वरी का दिल किसी मिस्टीरियस लड़की ने चुरा लिया है। हमारे सूत्रों के मुताबिक कल रात हुई पार्टी में मिस्टर माहेश्वरी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ आए थे। उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा कि हमारी नजरें उस लड़की तक ना पहुंच पाए, और इसलिए हम अपने फैंस से माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास उस लड़की की कोई भी फोटो नहीं है। लेकिन आप सभी घबराइए मत, हम जल्दी ही आपको इस मिस्टीरियस वुमन के बारे में सारी जानकारी ला कर देंगे। लेकिन उस हजारों लड़कियों के दिलों का क्या हाल हो रहा होगा जो सिद्धांत से अपनी शादी के सपने सजाई बैठी थी। हम तो बस यही कहेंगे कि हिम्मत मत हारिए, क्या पता कल आप उस मिस्टीरियस वुमन की जगह हो। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद प्रज्ञा का चेहरा शर्म के कारण लाल हो गया था। क्या सच में लोग सिद्धांत को मिस्टर हैंडसम बैचलर के नाम से बुलाते थे? क्या वो इतना हैंडसम था भी? प्रज्ञा ने स्कॉफ करते हुए सोचा, बिल्कुल नहीं, मुझे तो कहीं से नहीं लगता। और उसके बारे में लोग ऐसे बातें क्यों कर रहे थे? उसे विश्वास था कि उससे पहले भी बहुत सी लड़कियां सिद्धांत के साथ नजर आई होंगी, तो उस पर इतना अटेंशन क्यों था? प्रज्ञा को ऐसा अटेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने आर्टिकल को नीचे स्क्रॉल किया तो उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ जब उसने देखा कि उस आर्टिकल पर कमेंट्स की कोई भी कमी नहीं थी। कौन है ये मिस्टीरियस वुमन? सिद्धांत के लिए बस मैं ही मिस परफेक्ट हूँ, आई लव यू सिद्धांत, एक कमेंट ये भी था। वही दूसरे कमेंट में लिखा था, मुझे यकीन है वो लड़की सिद्धांत को अपने वश में किए हुए है, उसकी नजर पक्का मेरे सिद्धांत के पैसों पर होगी। वही तीसरे कमेंट में था, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, सिद्धांत मेरा है, मैं उसे किसी और का ऐसे नहीं होने दूंगी, मेरा बेचारा सिद्धांत इस डायन की चालों में फंस गया है। प्रज्ञा और आगे नहीं पढ़ पाई, लोग बिना जाने ही उसके बारे में क्या क्या बोल रहे थे। उसे सिद्धांत के पैसों का कोई भी लालच नहीं था, वो तो जिंदगी के खिलाए खेल के कारण सिद्धांत के साथ बंध चुकी थी। उसका बस चलता तो वो कब का उसे छोड़कर जा चुकी होती, और अगर कोई सिद्धांत से इतना प्यार करता ही था तो उसे रियल लाइफ में जाकर बताता क्यों नहीं। यहां स्क्रीन के पीछे बैठकर प्रज्ञा के खिलाफ इतनी हेट कमेंट्स करके उनको क्या ही मिल रहा था। वो कमेंट्स पढ़कर उसका मूड बिल्कुल खराब हो गया था। ओ प्रज्ञा मैडम, सॉरी, मैं आज की न्यूज देख रही थी और शायद ये टैबलेट यहीं भूल गई। मधु की आवाज ने उसको उसकी थॉट्स से बाहर निकाला। प्रज्ञा ने उसकी तरफ बस एक बार सिर हिलाया। वो दोबारा अपनी थॉट्स में डूब गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस शहर के लोग सिद्धांत को भगवान की तरह ट्रीट करते थे। हाँ, वो इतनी कम उम्र में इतना सक्सेसफुल था, लेकिन उन सभी को उसकी असलियत के बारे में मालूम नहीं था। किसी को नहीं पता था कि वो कितना पॉजिटिव और कॉम्पिटेटिव था। अचानक से प्रज्ञा का मन किया कि वो सिद्धांत की सच्चाई पूरी दुनिया को बता दे। उसने इसी कॉन्फिडेंस के साथ एक फेक आईडी बनाई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जो कुछ भी करने जा रही थी, अगर वो पकड़ी गई तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर जो एड्रेनलिन था, वो उसे ये काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा था। प्रज्ञा ने वो आर्टिकल दोबारा खोला और तुरंत कमेंट सेक्शन में जाते ही अपनी फेक आईडी से एक कमेंट किया। यहाँ सब सिद्धांत को किसी भगवान की तरह पूज रहे हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो रियलिटी में कैसा है। क्या पता वो बेचारी लड़की किसी परेशानी से गुजर रही हो। उसने कमेंट को पोस्ट किया और तुरंत ही उसे खुशी महसूस हुई। क्या कर रही हो तुम? पीछे से सिद्धांत की आवाज आई। प्रज्ञा का दिल एक पल के लिए थम सा गया। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत को पता चल जाएगा कि प्रज्ञा ने क्या किया था? प्रज्ञा कैसे बचा पाएगी अपने आप को इस नई मुसीबत से? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, एपिसोड 30। प्रज्ञा का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे नहीं मालूम था कि वो सिद्धांत को क्या जवाब दे, और अगर सिद्धांत को मालूम चला कि वो उसके बारे में क्या कमेंट कर रही थी तो उसकी दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। उसने तुरंत उस आर्टिकल को बंद किया और उसकी तरफ देखकर बोली, मैं न्यूज पढ़ रही थी। उसने अपने हाथों को मलते हुए कहा। उसकी नर्वसनेस अलग समझ आ रही थी। उसके चेहरे पर गिल्ट दिखाई दे रहा था। सिद्धांत उसे घूरता रहा, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद वो टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। सिद्धांत की इंटेंस नजरों के तले प्रज्ञा को लग रहा था कि वो खुद ही कन्फेस कर लेगी कि उसने अभी अभी क्या किया था। पता नहीं क्यों, लेकिन सिद्धांत की प्रेजेंस में प्रज्ञा पावरलेस फील करती थी, मानो उसका उसकी बॉडी और दिल पर कंट्रोल ही ना हो। सिद्धांत का अटेंशन शिफ्ट होते हुए देख प्रज्ञा भी अपने नाश्ते पर कंसंट्रेट करने लगी, लेकिन पकड़े जाने का डर उसको अभी भी सता रहा था। उस वक्त मजे मजे में उसने वो कमेंट तो कर दिया था, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस उसको भी मालूम नहीं था। लेकिन एक बात उसके मन में अभी भी चल रही थी कि कैसे किसी भी न्यूज़पेपर या आर्टिकल में उसकी एक भी फोटो नहीं थी। उसने सिद्धांत की साइट प्रोफाइल की तरफ देखा। सिद्धांत जब भी कुछ करता था तो उसका पूरा ध्यान उसी चीज पर रहता था।
अचानक से प्रज्ञा के दिमाग में उस दिन की याद आई जब रोड के किनारे सिद्धांत ने कार को रोककर उसको किस किया था और दोनों ने एक इंटीमेट टाइम स्पेंड किया था। उसके गाल लाल हो गए। अचानक से सिद्धांत की तरफ प्रज्ञा को देखना भी मुश्किल हो गया। वो दोबारा अपनी स्पून पकड़कर खाना खाने ही वाली थी, लेकिन तभी सिद्धांत उसकी तरफ मुड़ा। वो दोनों कई पलों के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। प्रज्ञा चाहकर भी अपनी नजर हटा नहीं पा रही थी। उसे सिद्धांत के इतने करीब बैठना ही नहीं चाहिए था। सिद्धांत का हाथ अपनी तरफ आता देख प्रज्ञा ने अपनी सांसें थाम ली। सिद्धांत की आंखों में एक टीजिंग लुक था जब उसने प्रज्ञा के होंठों के पास से खाने का एक टुकड़ा साफ किया। इसके कारण प्रज्ञा और भी एम्बैरेस्ड फील करने लगी। उसे नहीं पता था कि सिद्धांत इसीलिए उसके करीब आ रहा था, उल्टा उसका मन उसे कुछ और ही सपने दिखा रहा था। उसने अपने आप को डांटते हुए कहा, प्रज्ञा अभी कुछ देर पहले तुम इस आदमी की सच्चाई पूरी दुनिया को बताकर खुश थी, लेकिन अब तुम ही सोच रही थी कि वो तुमको किस करने वाला था। उसने अपना सिर हिलाते हुए खुद को समझाया, क्या हुआ, इस ब्यूटीफुल वुमन के दिमाग में क्या चल रहा है, सिद्धांत ने उससे पूछा। लगता है आज वो अच्छे मूड में था। वो इस क्वेश्चन का क्या आंसर देती, लेकिन उसे कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, इसलिए उसने सिद्धांत से झूठ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अचानक से टेबल पर रखा प्रज्ञा का फोन रिंग होने लगा। एक पल के लिए उसका दिल ये सोचकर बैठ गया कि शिव उसे कॉल कर रहा था, लेकिन जब उसने अपने मोबाइल स्क्रीन पर अपने चाचा जी का नाम देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वो चैन की सांस ले या स्ट्रेस के लिए तैयार हो जाए। सिद्धांत ने उसके फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसका कॉल है। प्रज्ञा ने अपना फोन उठाया और उसको दिखाते हुए कहा, मेरे चाचा जी का, शायद वो मुझे वापस बुलाना चाहते हो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले प्रज्ञा खुद को कोसने लगी। क्या अभी भी वो अपनी फैमिली पर इतना विश्वास करती थी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी। सिद्धांत का चेहरा ब्लैंक था। प्रज्ञा ने सावधानी के साथ अपने चाचा का फोन उठाया। दूसरी तरफ से उसके चाचा की भारी और थकी हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, प्रज्ञा बेटी कहाँ हो तुम, कैसी हो। अपनी एकमात्र फैमिली मेंबर की आवाज सुनते ही प्रज्ञा बहुत इमोशनल हो गई। इस दुनिया में उसके पास कोई भी अपना कहने को नहीं था। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं अपने दोस्त के घर में हूँ। उसके चाचा ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा और आगे बोला, प्रज्ञा तुम आज ही घर आ जाओ, हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अपने चाचा जी के मुंह से ये सुनकर प्रज्ञा को समझ नहीं आया कि वो खुश हो या दुखी। जब उसने कुछ देर कुछ भी नहीं बोला तो उसके चाचा ने कहा, उस दिन तुम्हारी चाची ने गुस्से में न जाने क्या क्या बोल दिया था, लेकिन तुम गुस्सा मत हो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता थी इसलिए उन्होंने वो सब कहा था। हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। अगर तुम करण से शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, कोई भी तुम्हें उसके लिए फोर्स नहीं करेगा, लेकिन तुम प्लीज घर आ जाओ, मेरी भी आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। इतना बोलते ही प्रज्ञा को अपने चाचा जी की खांसने की आवाज आई। शायद उसके चाचा चाची को समझ आ गया था कि प्रज्ञा का डिसीजन सही था। शायद उनको उनकी गलती का एहसास हो गया था। जब उसे एक बार फिर अपने चाचा जी की खांसने की आवाज आई तो वो खुद को रोक नहीं पाई और बोली, ठीक है चाचा जी, मैं आज ही घर आप सबसे मिलने आती हूँ। ओके बेटा, जल्दी आना, हम तेरा इंतजार करेंगे। इतना कहकर उसके चाचा ने फोन रख दिया। क्या बोले तुम्हारे चाचा जी, सिद्धांत ने पूछा। प्रज्ञा ने अपनी आंसू पोंछते हुए कहा, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं उनसे मिलकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। जब सिद्धांत के मुंह से हंसी निकली तो प्रज्ञा का मूड गुस्से में शिफ्ट हो गया। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो, उसने गुस्से से पूछा। मुझे पता था कि तुम सेंटिमेंटल हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम स्टूपिड भी होगी ये मुझे नहीं पता था। वो इतने दिनों से कहाँ थे, आज अचानक से क्यों कॉल किया उन्होंने, सिद्धांत ने कहा। ये सुनकर प्रज्ञा का खून खौल उठा। सिद्धांत उसका मजाक कैसे उड़ा सकता था, तुम इस बारे में कैसे समझोगे जब तुम्हारी फैमिली ही नहीं है, प्रज्ञा ने एकदम से कहा। जब ये शब्द उसके मुंह से निकल गए तब उसको रियलाइज हुआ कि उसने क्या कह दिया था। सिद्धांत का चेहरा एकदम से ब्लैंक हो गया।
वो अपनी चेयर से बिना कुछ बोले उठा और अपनी ऑफिस चला गया। प्रज्ञा ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। उसने एक गहरी सांस ली। प्रज्ञा उसी शाम अपनी चाचा जी के घर पहुंची। जब उसने दरवाजे पर नॉक किया तो उसकी चाची ने नम आंखों के साथ दरवाजा खोला और तुरंत प्रज्ञा को गले लगा लिया। जब वो दोनों अंदर पहुंची तो प्रज्ञा ने देखा कि उसके चाचा जी टीवी के सामने बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। वो तुरंत सोफा से उठे और उसकी तरफ आते हुए बोले, प्रज्ञा बेटा कैसी हो तुम? हम तुम्हारी चिंता में कितने परेशान थे। आओ यहाँ बैठो, मुझे बताओ कि तुम आजकल क्या कर रही हो। क्या वो उनको बता सकती थी कि वो इस वक्त किस सिचुएशन में फंसी हुई थी? नहीं, वो उन लोगों को परेशान नहीं कर सकती। बेटा तुम अभी सिद्धांत के साथ उसके घर में रह रही हो ना, अचानक से उसके चाचा जी ने कहा। प्रज्ञा ने उनकी बात का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वो कैसे बता सकती थी कि वो बिना शादी या सगाई के किसी पराए मर्द के साथ उसके घर में रह रही थी। प्रज्ञा बेटा तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, मैंने आज ही न्यूज में सुना था कि कोई लड़की सिद्धांत के साथ कल पार्टी में आई थी, और भले ही तुम्हारी कोई भी फोटो नहीं आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बात को ना समझूं। इसका मतलब कि सिद्धांत तुम्हें बहुत खुश रखा है। अब इस पर प्रज्ञा क्या ही कहती, वो उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि असलियत क्या है। मैं सिद्धांत का खुशगुजार हूँ कि उसने तुम्हें रहने के लिए छत दी थी। अगर वो तुम्हें इतना अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो बेटा क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ, उसके चाचा ने कहा। और प्रज्ञा को जिस बात का डर था वही हुआ। सिद्धांत की बात आखिरकार सच थी। उसके परिवार वाले सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहते थे। उसका मन बहुत ही दुखी हो गया। उसके चाचा ने आगे कहा, बेटा तुम्हें पता है कि मैंने जुआ खेलकर बहुत पैसे हारे हैं, और अभी तक करण की मदद के कारण हम इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब जब तुमने उससे शादी ना करने का फैसला लिया है तो उसने भी हमारी मदद से इनकार कर दिया है, और अगर हमने उनके पैसे नहीं लौटाए तो वो हमारी फैक्ट्री बंद कर देंगे। प्रज्ञा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी फैमिली ने एक बार फिर उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। उसके चाचा जी ने बीमार होने का नाटक किया था ताकि वो उनसे मिलने उनके घर आए और वो लोग उसका एक बार फिर फायदा उठा सके। आप लोगों ने क्या मुझे कोई एटीएम मशीन समझ रखा है कि जब चाहो तब मेरी मदद से पैसे निकाल लो? अगर आपको पैसे चाहिए तो खुद ही सिद्धांत से मांग लीजिए। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसकी चाची किचन से हाथ में बेलन लेकर निकली। वो किचन में प्रज्ञा के लिए कुछ खाने के लिए बनाने को गई थी। वो उस बेलन के साथ प्रज्ञा के सामने आई और चिल्लाते हुए बोली, तुम कैसी लड़की हो? तुम दुख के समय में भी अपनी फैमिली की मदद नहीं कर सकती, जब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम मदद करने से मना कर रही हो, लेकिन तुम्हें जाकर अलग अलग मर्द के साथ सोने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सुनते ही प्रज्ञा की आंखें आंसुओं से भर गई। उसका परिवार उसके बारे में ऐसा सोचता था, उन लोगों ने उसे दुख के अलावा कुछ भी नहीं दिया था, और आज तो उस दुख की हद ही पार हो गई थी। उसने अपने दुख में ध्यान ही नहीं दिया कि कब उसकी चाची के हाथ में पकड़ा हुआ बेलन उसकी तरफ आ गया। प्रज्ञा ने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए अपने हाथ अपने चेहरे के सामने कर लिए, लेकिन जब उसे कुछ देर तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ तब उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि बेलन हवा में ही अटका था, और उसका रीजन था सिद्धांत। सिद्धांत ने अपने हाथों से उस बेलन को रोक लिया था। क्या होगा आगे? क्या प्रज्ञा इतने सब के बाद भी अपने परिवार की हेल्प करेगी? और अब सिद्धांत के वहां आने के बाद क्या होगा जो प्रज्ञा के लिए ऑलरेडी इतना प्रोटेक्टिव और पोजेसिव था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम